राम, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लेकर आए हैं चेयर के ऊपर में, ऐसे ये चेयर दो रख लेंगे, इसके ऊपर में साइड स्विच कैसे करेंगे। सबका माध्यम में रहता है कि कैसे करना है, कैसे करना है, सबको दिखाना है टूर्नामेंट में या फिर कहीं पर डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाना है, तो हम लोग कैसे करेंगे उसके लिए आप आज प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, धीरे धीरे करके दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आए और किस तरह से करेंगे जिससे आपका स्ट्रेचिंग खुले। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखने से आपको नॉलेज मिलेगा, हमारी वीडियो को रैंक मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले और एक बात, आप जितना भी पुराना वीडियो है उसको जरूर कर लें, फिर इसको अप्लाई करें। अगर आप पहले कर लेते हैं अच्छी बात है, अगर हो जाता है तो, नहीं होता है तो आप पहले उस चीज़ को कर लें फिर इसमें आइएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। पहले एक यहाँ पर आ जाएंगे, पहले इनको ऐसे क्लोज में रख लेना है, इसको क्लोज में रखें, एक यहाँ पर पाओ एक यहाँ पर पाओ रखेंगे और जैसे कमर पकड़े थे उधर के पीछे। पहले हमको ये एक और चीज़ ध्यान में रखना है, ये जब हम पकड़ने वाला पीछे सपोर्टर देने वाला जो है वो इस तरह से ऐसे पकड़ लेना है, ये पकड़ लेंगे, ये इसको बेल्ट को ऐसे पकड़ लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बीच में किसी कारण से चेयर अगर स्लिप कर गया या फिर वो लड़का अगर स्लिप कर गया तो उसको चोट ना लगे। दूसरा बात, जो चेयर पकड़े हुए हैं उनको जब चेयर पकड़ेंगे तो ऐसे करके अपना पैर लगा कर रखना है, ऐसे ये जो पैर लगा के रखे हैं ऐसे करके रखेंगे और भी साइड करके ऐसे करके रखेंगे, ये पकड़ कर रखेंगे और धीरे 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 पीछे की तरफ लेकर आएंगे एकदम ऐसे पकड़ कर। इससे क्या होगा, ये चीज स्लिप नहीं करेगा, बढ़िया से पकड़ना है ताकि ये स्लिप ना करे, नहीं तो उसको चोट लग सकता है। तो चलिए पहले ऐसे क्लोज में रखेंगे, अभी हमको करना है साइड स्लिप। तो कैसे करेंगे उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये पैर का फिट जो है ऐसे और ये पैर का फिट जो है ऐसे। अब पीछे से हम पकड़ लिए हैं, अब धीरे 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 अगर नया है तो उसको सपोर्ट देने के लिए थोड़ा सा आ जाएंगे ऐसे, गुड हाँ, गए 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 गए, गुड 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 गुड, शाबाश, इस तरह से सीधा करेंगे। अब ऐसे आ गए, अगर आप पुराने हैं तो ध्यान रखना है, अच्छे से करना है। अब इसको सामने में नाक टच करना है, 1 2 3 4 गुड, 5 6 7 8 9 10 ओके, नाउ बैक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके, स्लो में डाउन कीजिए। तो ये ध्यान रखना है कि उतरते वक्त और चढ़ते वक्त आपको स्लो करना है और ये स्लिप ना कर जाए, गिर ना जाए, उसका जरूर ध्यान रखना है। ये चीज में आपको प्रेशर पड़ सकता है, इसके लिए आपको वार्म अप बहुत जरूरी है करना, इसके पहले बहुत सारा वीडियो है उसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए फिर राइट साइड में करेंगे सेम चीज, राइट साइड में पूरा क्लोज रखेंगे ऐसे ऐसे और दो पैर को फिर ठीक करो, इस पैर ओके, 1 2 3 4 चलो 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 चलो, शाबाश 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 शाबाश, 6 7 8 9 10 ओके, बैक साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें एक और एडवांस लेवल है, थोड़ा सा एडवांस लेवल है, क्या करना है उसको, जैसे ही ये स्ट्रेच में आ गया आने के बाद थोड़ा थोड़ा उसके पैर को प्रेशर देना है ताकि वो और नीचे की तरफ जाए और जो जाम है वो खुले। तो एक बार और ट्राई करेंगे, अब यहां तक आ गया, फाइनल पहुंच गए हम लोग। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां से इस जगह से कमर से नीचे की तरफ प्रेशर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके, अब राइट साइड, यहाँ पर पीछे की तरफ, यहाँ पर इस जगह पर हमको प्रेशर देना है, 1 2 3 चेयर नीचे, 5 6 7 8 9 10 ओके। तो ऐसे आपको भी प्रैक्टिस करना है ताकि आपका स्ट्रेचिंग खुले, लेकिन ये चेयर वाला जो था वो आपको ऐसा करना है कि आप धीरे धीरे करिएगा, एक बार में मत कीजिएगा नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। इसके पहले भी बहुत सारा स्ट्रेचिंग का वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, सिर्फ इसके चक्कर में मत रहिएगा कि ये आया सामने तो इसी को करने, पहले उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा फिर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के लिए आपको आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, चाचा बाय और